हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी सरी लाइफ स्टाइल ब्लॉग चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि DLW से लंका के साइकिल से ट्रैवलिंग दिखाऊंगा। रास्ते में क्या क्या चीज़ कौन कौन से मार्केट आता है, चौराहा आता है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो यह वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए है DLW से लंका। तो देखिए, DLW रेल कारखाना का ये मेन गेट है ये, और यहाँ से आए और यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करते हैं और लंका की ओर चलते हैं। तो यहाँ से दो सड़क है, एक बाएँ एक दाहिने। तो बाएँ आपको मरवाडीह कैंट चला जाएगा और मैं दाहिने की ओर मुड़ूंगा। यहाँ पर क्रॉसिंग है और ये रास्ता आपको सीधे बाईपास की ओर चला जाता है चितईपुर, और बाएं लेफ्ट साइड लंका के लिए आप घूमेंगे तो आप सीधे लंका पहुंच जाएंगे, सीधे चलेंगे। तो मैं आगे से लंका में घूमूंगा। तो देखिए, ये DLW चौराहा है। तो यहाँ से मैं बाएं मुड़ जाऊँगा लंका के लिए और ये सीधे आपको बाईपास चितईपुर चला जाएगा उधर। तो मैं यहाँ से मुड़ जा रहा हूँ। देखिए, ये DLW चौराहा है यार। ये बाबा चाट भंडार बंगाली स्वीट हाउस है जो बहुत ही फेमस है, लोगों की भीड़ लगी हुई देख सकते हैं। और ये CV मार्ट दुकान है। ये रास्ते में प्रतीक हॉस्पिटल है ये। ये ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट कैफे है ये। और ये होटल उदय पैलेस है ये। देखिए, दाहिने साथ संतुष्टि हॉस्पिटल जाने का ये रास्ता देखिए। ये क्षीर सागर स्वीट दुकान है ये।
बादल लगा हुआ है, बारिश होने वाली है और तेज हवा भी साथ में चल रही है। काला बादल लगा हुआ है, देखिए ये मधुमल लॉन है, ये लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, ये देखिए और ये हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का। अब मैं सुंदरपुर चौराहा के पास आ गया हूँ, जो यहाँ सब्जी मार्केट लगते है रोज़ सुबह को, देख सकते हैं ये सुंदरपुर सब्जी मार्केट है यह। ये सब्जी मार्केट है, ये तो अभी बाज़ार अभी ख़त्म है, सुबह को बाज़ार लगती है, तब देख सकते हैं ये तो इस साइड भी सब्जी की दुकान है, देख रहे हैं आप। आगे आपको धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज जो दाहिने साइड जाने का रास्ता है, ये देखिए सुंदरपुर सट्टी बाज़ार सब्जी का जो सुबह में लगती वो पीछे छूट गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पंचवटी देखिए,
यहाँ पर चौकी वगैरह तख्त सब मिलता है यहाँ पे लकड़ी का। चौधरी लाइन है, शादी विवाह का यह जगह है, चौधरी लाइन आप कर सकते हैं शादी विवाह में ऐसा है इस साइड में। अब मैं नरिया के जगह क्षेत्र में प्रवेश कर गया, एंटर कर गया हूँ, नरिया में आ गया हूँ। देखिए दृष्टि ऑप्टिकल ये दुकान है, ये आपको चौराहा दिख रहा है, ये नरिया चौराहा है। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, सब जगह अलग अलग जगहों पर जाने का रास्ता है, ये देख सकते हैं। ये नरिया तिराहा है, यहाँ से तीन रास्ता निकलता है। तो ये रास्ता जो आपको है, ये आपको चितईपुर बाईपास आप जा सकते हैं इससे। देखिए ये नरिया चौराहा है, ये और देखिए मोहल्ला में जाने के ये सभापति भवन है, ये और ये यहाँ के हनुमान जी है, ये मंदिर है, ये देखिए सभापति भवन है ये। तो अब मैं यहाँ से बहुत ही नज़दीक अब लंका है, अब देखिए नरिया चौराहा। ये जो बाउंड्री वाल जो दिख रहा है दाहिने साइड में आपको, वो बीएचयू का बाउंड्री वाल है। देखिए ये जो आपको गिरवा कलर में पीले रंग में जो बिल्डिंग दिख रहा है बड़ा सा, ये बीएचयू का नया हॉस्पिटल बना है, उसका ये बिल्डिंग है। ये पिछले 3 साल में बनकर यह तैयार हुआ है। देखिए ये गेट है, अभी इसमें अभी काम चल रहा है। के इधर नाम है शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक IMSBBHU वाराणसी लिखा हुआ है। ये मारुति गेस्ट हाउस है, देख सकते सामने ये।
मैं लंका चौराहे के पास आ गया हूँ। चौराहा होने की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चल रही है जाम लगने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ लग और जाम लगता है, ट्रैफिक जाम बहुत लगता है। यहाँ से गाड़ी धीरे धीरे सुसर रही है, चल रही है। अब लंका BHO आ गया हूँ। इस साइड में BHO हॉस्पिटल है, देखिए। रुक जाइए भैया, सर दवा की दुकान है। लंका चौराहा आ गया हूँ। यहाँ पर मालवीय जी की प्रतिमा लगी हुई है चौराहे के बीच में, देख सकते हैं आप। और ये BHO गेट है, ये देखिए BHO गेट है। और ये सीधे जो सड़क जाती है, ये सामने घाट रामनगर बाईपास चले जाएंगे, और ये सड़क जो जाती है आपको ये लंका कैंट गोधौलिया की ओर चल जाएंगे। DLW श्रीलंका की ट्रैवलिंग यात्रा को मैं यही समाप्त करता हूँ। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप तक अनुमेर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह वीडियो कैसा रहा दोस्तों। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।